जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल यू लवली पीपल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, और देखेंगे कि ये जो महीना है अप्रैल का, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करें ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगेन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि अप्रैल का महीना आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है, क्या खुशियाँ लेके आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एरीज साइन, यानी कि मेष राशि के लिए, और देखते हैं। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे इस महीने के लिए। ओके, एरीज, आउच, हार्ट ब्रेक। आई थिंक इट्स अबाउट, शायद हो सकता है कि हार्ट ब्रेक आप फेस कर सकते हैं, और मे बी ब्रोकन हार्टेड एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। आई थिंक शायद हो सकता है यू आर फेसिंग चैलेंजेस इन योर लव लाइफ, और हो सकता है कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फेस कर रहे हैं, और ये कंटिन्यू हो सकती हैं। टेक इट इन अ फ्रेंडली वे, यू नो, चाहे स्टिल यू आर फीलिंग ब्रोकन हार्टेड, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं स्टिल यू आर नॉट गिविंग होप, आप होप नहीं गिव अप कर रहे हैं, राइट? सो मे बी हो सकता है एरीज के लिए एनर्जी हो सकती है, बट नेवर माइंड। आई थिंक चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो, सबके अपनी स्टोरी है। आपकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, कोई और है तो उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा होगा। दे आर, यू नो, डिफरेंट एनर्जी विद डिफरेंट पीपल, सो लेट्स फाइंड आउट मोर। ओके, लेट्स सी। एरीज की लव लाइफ कैसी रहेगी इन द कमिंग मंथ, अप्रैल महीना। एरीज, देखिए, क्रॉस रोड्स पे हैं। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, इट्स अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशन। अच्छा, मुझे कोई न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ एरीज के लिए इट्स अबाउट न्यू बिगनिंग, न्यू ग्रोथ, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मनी पे फोकस कर रहे हैं। नया रिश्ता आ सकता है, नया प्रपोजल आ सकता है, हालांकि मन में शायद हो सकता है कि शायद वो चीज़ अभी भी है, यू नो, वो जो प्रॉब्लम है जो आप डील कर रहे हैं, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, वट एवर हो सकता है आप फेस कर रहे हो, बट द थिंग इज़ न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, स्पेशली फ्रॉम योर साइड। प्रपोजल फॉर अ मैरिज, या फिर सॉलिड, समथिंग सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप शायद हो सकता है कि इस आपके अराउंड है, बट क्योंकि आप क्रॉस रोड्स पे हैं, आप इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और अभी फ़िलहाल होल्ड पे रखा हुआ है आपने सिचुएशन, या हो सकता है कि आप अभी पास्ट यू नो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो जगल कर रहे हैं स्पेशली। तो इन द मैटर ऑफ हार्ट्स, आई थिंक यू नीड, या यू आर टेकिंग ब्रेक, और यू विल बी टेकिंग अ ब्रेक। आप ब्रेक ले सकते हैं, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं एरीज के लिए। ओके, देखिए, आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, आई थिंक इनके साथ, देखिए, प्रॉब्लम मुझे लगता है आपकी साइड से आ रही है, फॉर सम रीज़न और फॉर एनी रीज़न। इस पर्सन के मन में आपके लिए इमोशंस हैं, प्यार है, फीलिंग्स हैं, बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कैजुअली कनेक्ट कर रहे हैं, और आगे भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि येस, यू नो, हो बहुत ज़्यादा इमोशंस को होल्ड किया जा रहा है आपकी तरफ से भी, इनकी तरफ से भी, यू नो, न्यू एनर्जी भी है आपके राउंड। सो शायद हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, कोई चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेट्स फाइंड आउट मोर। ओके, इट्स अ स्लो कनेक्शन। एरीज जो है वो एक तो स्लो कनेक्शन है, एक कुछ ना कुछ टॉक्सिक ज़रूर है इस रिलेशनशिप में। शायद हो सकता है आपको पता है, नहीं पता है, जो भी है, इग्नोरेंस है या जो भी है, बट द थिंग इज़, आई थिंक आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं जितना आप, यू नो, आप
चाहते हैं रिलेशनशिप में, या ये पर्सन चाहते हैं, अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरा ये वेरी स्लो. अगर आप फ्यूचर में भी मुझसे पूछेंगे तो मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये जो कनेक्शन है वो बहुत स्लो पेस पे चल रहा है. और दूसरा ये कि हो सकता है आप दोनों ही अपने अपने पाथ को चूज़ कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, हो सकता है इस पर्सन की भी ये एनर्जी हो, वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रोल्स. ठीक है, तो शायद हो सकता है फेलो फायर के साथ, एयर साइन के साथ आप डील कर रहे हो, यू नो वाटर, एयर, अर्थ, ये सारे मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं, फायर, यू नो सारे साइंस बेसिकली दिखाई दे रहे हैं. बट द थिंग इज कुछ तो टॉक्सिक है इस कनेक्शन में, जो शायद हो सकता है कि आप शायद आपको रियलाइज भी होता हो, इसलिए आप दोनों टाइम ले रहे हैं. सो ये सारी चीजें थोड़ा डिटेल में जाएंगे, देखते हैं. आई थिंक ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है ना, ये थोड़ा सा ये भी डिफेंसिव मोड में है, ये स्ट्रगल कर करके थक गए हैं इस कनेक्शन में. देखिए एनर्जी यू नो चेंज भी हो सकती है, या आपकी हो सकती है, इस पर्सन की हो सकती है. इट्स अबाउट स्ट्रगल इज गोइंग ऑन, स्ट्रगल चल रही है कनेक्शन में कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इस चीज़ को डील करना है. और डिफेंसिव है ये पर्सन भी, डिफेंसिव हो जाते हैं कभी कभी, और क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं. ये सोचते हैं कि या तो ख़त्म करो या एक साइड करो, यू नो. और शायद हो सकता है कि ये भी हर्ट हो आपके जो भी जैसा भी आप लोग आपस में डील कर रहे हैं, हो सकता है इस बात से ये पर्सन भी हर्ट हो. ओके, आई थिंक बैलेंस लाना चाहते हैं ये पर्सन, बैलेंस लाना चाहते हैं. हालांकि देखिए अगेन वी हैव किंग ऑफ कप्स, इमोशंस हैं, इमोशंस ज़रूर हैं इस पर्सन की साइड से, ऐसा नहीं है, फीलिंग्स हैं, लेकिन रनर चेजर जो चल रहा है ना, जो सिचुएशन चल रही है आप लोगों के बीच में, उस वजह से ये पर्सन थक गए हैं और बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, वेदर दिस साइड और दैट साइड. कोई भी कनेक्शन है आपका, चाहे आप थर्ड पार्टी कनेक्शन में हैं, जो कि मुझे सेंस हो रहा है कि यस थर्ड पार्टी ज़रूर है आप लोगों के बीच में, या ये पर्सन मैरिड है, या आप मैरिड है, या वट एवर जो भी सिचुएशन है, आई थिंक जो इन एंड आउट वाला प्रॉब्लम जो चल रही है ना, उस वजह से आई ये भी कन्फ्यूज्ड हैं और ये भी परेशान हैं, यू नो लाइक अ व्हील. कभी अच्छा टाइम आ गया, कभी बुरा टाइम आ गया, कभी अच्छा फिर बुरा, ऐसे ये एक व्हील है, तो सर्कल्स में वो दोबारा दोबारा वो चीज़ चल रही है. बट ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत स्लो पेस पे कनेक्शन चलने वाला है आगे भी. और हाँ, लेकिन ये पर्सन ज़रूर बैलेंस लेके आना चाहते हैं. ओके, आई थिंक ये पर्सन हमेशा ही रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ. बट क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इनको ये धीरे धीरे रियलाइज़ होने लग गया है कि ये जो रिलेशनशिप है इसका एक ना एक दिन, यू नो लाइक आई डोंट वॉन्ट टू से इट, बट शायद उनको ये महसूस होता है कि ये एंड ही होगा, या कोई ऐसा सोचता है, यू नो. सो दिस वे दे आर लाइक गार्डिंग देमसेल्स, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. और आपकी एनर्जी भी, अगेन मैं कह रही हूँ, आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप भी अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन भी अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, यू नो. इमोशंस, अगर आप मेरी रीडिंग्स को फॉलो करते हैं तो एरीज का ये काफ़ी टाइम से पैटर्न चल रहा है. अगर आप टोटली सिंगल हैं, सिंगल लोगों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो टोटली सिंगल हैं, आई थिंक इट्स अबाउट आप अभी फ़िलहाल न्यू कनेक्शन को लेके शायद क्रॉस रोड्स पे हैं. न्यू रिलेशनशिप आ सकता है अप्रैल मंथ में, कोई सॉलिड कनेक्शन आ सकता है आपकी तरफ, कोई प्रपोजल आ सकता है. बट क्योंकि आप शायद हो सकता है अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं कर पा रहे, और क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे, वो इसलिए बिकॉज यू वॉन्ट, आई थिंक यू वॉन्ट टू टेक टाइम. शायद हो सकता है अपनी लाइफ में यू वॉन्ट टू वर्क, लाइक यू नो यू वर हार्ट ब्रोकन, यू वर शैटर्ड, और आपको आप ऐसा फेस कर चुके हैं, इसलिए शायद आप आगे बढ़ने से अभी डर रहे हैं फिलहाल. अगर आप टोटली सिंगल एरीज हैं तो डेफिनेटली कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ. अब ये आपके ऊपर है कि क्या आप आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते. बट ओवरऑल अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, स्पाउस के साथ डील कर रहे हैं, और कोई कनेक्शन चल रहा है, तो आई थिंक इट्स अबाउट कि ये जो पर्सन है ये इस चीज़ से थक चुके हैं. दे वॉन्ट कमिटमेंट एंड दे वॉन्ट यू नो टू कनेक्ट विद यू, बट क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में चल रही हैं, तो शायद हो सकता है कि आप लोग इतना एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे. लेट्स फाइंड आउट मोर, थोड़ा और देखेंगे.
देखिए एरीज, मुझे पता क्या लगता है कि ये कनेक्शन है ना आप लोगों का, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है. वॉट एवर इट्स अबाउट कि लव है, इमोशंस हैं, बट फीलिंग्स यू नो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, कहीं पहुंच नहीं रहा कनेक्शन, बहुत स्लो पेस पे चल रहा है लेकिन चल रहा है सम हाउ. कभी आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप वर्क करे, कभी आपके पर्सन चाहते हैं, यू नो समटाइम्स तो वो जो व्हील है कंटिन्यूसली, मैंने आपको बोला ना, वो घूम रहा है. शायद हो सकता है एक वक्त ऐसा आए कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बैलेंस आए, और मे बी इट्स अबाउट बहुत सारे लोगों के लिए मुझे न्यू कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है. तो इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू कि आप पास्ट एनर्जी में रहना चाहते हैं या आप यू नो आगे बढ़ना चाहते हैं. अगर आपकी कोई भी ऐसी सिचुएशन है, गोइंग थ्रू अ सेपरेशन, गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, तो इट्स टोटली अप टू यू. ठीक है, बट मुझे लगता है न्यू एनर्जी है अराउंड सिंगल लोगों के, यू नो अराउंड ज़्यादा मुझे न्यू पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं. बट आई थिंक यू आर टेकिंग टाइम. और एरीज को आई थिंक फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सक्सेस पे, अपनी उस पर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज शायद हो सकता है वो अपनी लाइफ में दे आर डीलिंग विद सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल, करियर वाइज ऑल्सो, फैमिली वाइज ऑल्सो, या वट एवर. तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में. शायद हो सकता है यू नो यू आर गोइंग थ्रू दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. तो थोड़ा अभी आपको अपनी विक्ट्री पे, अपनी सक्सेस पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने में ध्यान देना चाहिए. तो बने रहिएगा, इन दी एंड वी विल पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस. अब हम बात करेंगे करियर की. करियर वाइज जो एरीज हैं उनके लिए ये जो महीना है अप्रैल का, वो कैसा रहेगा. ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विल बी कमिंग, और आपको पाथ अपने आप बनाना पड़ेगा. यू नो लाइक यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू टेक चांसेस. ऐसा नहीं है कि बैठे बैठाए कुछ भी हो जाएगा. यू हैव टू बी वेरी एक्टिव. आप क्योंकि हैं, आपके अंदर वो फायरी एनर्जी है, तो उसको सही डायरेक्शन दीजिए. फायरी एनर्जी की बात की है, वी हैव अ सन कार्ड, तो नया सूरज उग रहा है. अप्रैल मंथ में एरीज के लिए आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं इन टर्म्स ऑफ करियर. सो डोंट बी क्लोज्ड ऑफ. आपकी जो अगर आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यू नो कैसे होगा, क्या होगा, तो प्लीज़ बिलीव मी, आई थिंक आने वाला पीरियड, आने वाला जो मंथ है, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकता है. ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर for all the Aries people. Okay. देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका क्या मतलब है, दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर, आपके फेवर में काम कर सकती है, एंड यू विल बी कंटेंट. तो अपनी वो एनर्जी को, यू आर डैशिंग, यू आर स्मार्ट, यू आर एनर्जेटिक, आपके अंदर वो वाइब्स हैं, वो फायरी एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, उस फायरी एनर्जी को आप प्रॉपर डायरेक्शन दीजिए, बजाय कि लाइक यू नो थिंकिंग अबाउट और लो फील करना और सोचना कि ये कैसे क्या कब, यू नो. सो सही डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल. कुछ अच्छा आ सकता है, कुछ पॉजिटिव आ सकता है, कुछ ब्राइट आ सकता है. तो ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगी कि एरीज लाइक अपना जो क्राइटेरिया वो सेट करिए कि आप कुछ, आप चाहते क्या हैं, यू नो आप पर्पस ढूंढिए, आप क्या चाहते हैं, उसमें एफर्ट्स पुट कीजिए. इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग, मान लीजिए अगर लव सेक्टर नहीं वर्क कर रहा है, देन आई थिंक यू शुड स्विच टू योर करियर. उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, थिंग्स विल बैलेंस आउट, और वो बैलेंस आता हुआ वो खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ करियर. सो जल्दी जल्दी देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एरीज पीपल. ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग फॉर यू.
स्टे लाइक हैप्पी कंटेंट अपने आप में, एवरी थिंग इज़ विद इन. अगर आप कहीं और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ आई विल से नो. आपके अंदर जो है, जो खुशियाँ हैं, बैलेंस इट आउट. अपने आप को बैलेंस कीजिए और जो डिवाइन है वो आपको आपका पर्पस दे देंगे, आपको वो जर्नी दे देंगे. आप वॉक करते आगे बढ़ते जाइए, फोकस करते जाइए. ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये कार्ड आपकी रीडिंग्स में कितनी बार आ चुका है और आज फिर आया है. और आज मैं फिर आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ, आगे बढ़िए. और दूसरा ये कि येस, चेंज इज़ हैपनिंग, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू, न्यू थिंग्स, न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू. और बस अपने आप को हील कीजिए. आप सोचिए कि येस, लाइक अपने आप के साथ कनेक्ट करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा. सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी. मुझे तो बहुत अच्छी लगी. सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.